पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो पता नहीं है आपको कि आपको क्या पढ़ना चाहिए कि वो परीक्षा में आने वाली चीज़ हो। तो उसी समस्या का समाधान करते हुए अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए ना, ये सिर्फ वही वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, आते रहते हैं। यकीन मानिए, मेरे अगर सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आप इस चीज़ को महसूस कर चुके होंगे, लेकिन जो नए नए हैं उनको महसूस करना पड़ेगा। और इससे भी एक बेहतर उपाय आपको ये मिल रहा है कि अगर आप कुछ भी किसी की वीडियो देखना, खोजना, परेशान होना, सिलेबस पूरा करना, तमाम तामझाम से बचना चाहते हो, तो मैंने सिर्फ 55 वीडियो का एक समूह बनाया है। अब उन 55 वीडियो को देख करके 200 नंबर के आसपास तुम पा जाओगे, और 200 नंबर लाना ही सरकारी कॉलेज मिल जाता है। तो भैया, 400 नंबर की तैयारी करने वाले बच्चे 6 महीना पहले से पढ़ते हैं, 2-4 महीना पहले से पढ़ते हैं, पढ़ाकू होते हैं, लेकिन जिनको सिर्फ एडमिशन लेने का उद्देश्य है वे मेरी 55 वीडियो ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर मैं दे दे रहा हूँ, 75-25-81-80-38। इस पर बाबू फ़ोन कर लो, अब फ़ोन करके कह दो मुझे 55 वीडियो वाला चाहिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, घूमते हो, काम करते हो, दुकान पे रहते हो, या एकदम से बेकार हो, बेओहियाद हो, तो भी तुम 55 वीडियो लेकर के तुम 200 नंबर ला सकते हो और एग्ज़ामिनेशन पास करके सरकारी कॉलेज पा सकते हो। प्रचार ज़्यादा हो गया, अब मैं आता हूँ सवाल पर। देखो भाई, सनरेख वाला सवाल, तुम 20 साल का पेपर, चाहे 4 साल का पेपर, चाहे 10 साल का पेपर उठा के देखो ना, सनरेख वाला सवाल हर साल तुम्हारे एग्ज़ाम में आया है। बोलो, आया है कि नहीं आया है? ज़रूर आया यार, तो सीख लो। जो एकदम से बेकार छात्र हैं वे ज़रूर सीखे, जो अच्छे होंगे वे सीख चुके होंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने का ना कई तरीका मेरे पास, सारा बताऊंगा तो कन्फ्यूज जाओगे, एक एक को तरीका बता रहा हूँ, बिना कागज़ कलम दावत के हो जाएगा, मतलब ना सालों बोल नहीं करना पड़ेगा, बस इसे देखते देखते आ जाएगा, समझे? कैसे आ जाएगा बता रहा हूँ, तुम सीख जाओगे तो दूसरे को सिखा दोगे। जब भी कहे कि बिंदु इतना 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 संरेख है और 4 गो समीकरण दिया हो, विकल्प में क्या दिया हो? समीकरण। तो संरेख का मतलब होता है ना कि ये जो तीनों बिंदु है ना, उस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे जो सही होगा। तो इसमें से जो भी सही होगा उसको संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट कैसे होता है? दाहिना पक्ष बायां पक्ष अगर बराबर हो जाए तो समझो संतुष्ट हो गया। कैसे? दो पार्टी में अगर झगड़ा होता, खेती बाड़ी को लेकर के दो भाई में झगड़ा होता है, तो दोनों संतुष्ट कैसे होते? जब दोनों को बराबर बराबर लगता है कि हमको भी बराबर मिला जितना उसको मिला है, कम ज़्यादा रहता तो लोग संतुष्ट नहीं रहते ना मारपीट में। खेती बाड़ी और दो भाई जब अलग होते संपत्ति में, बराबर बराबर पाते हैं तो संतुष्ट, पंचायत जब लगती है तो बराबरी पर ही संतुष्टि होती है। तो ऐसे ये समीकरण भी हैं, रियल लाइफ समीकरण में आ गया कि भाई ये संतुष्ट कब होगा? जब दाहिना और बायां दोनों पक्ष संतुष्ट होगा, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो भाई मैं बहुत बोल रहा हूँ, आपको समझाना चाहिए सवाल, अब मैं समझा रहा हूँ, जिन लोगों को बुरा लगा होगा माफ़ करेंगे। देखो, एक्स और वाई इसमें रखना तो कोई ठीक है नहीं, एक्स वाई पता नहीं क्या है, लेकिन ये और ये दोनों जिस भी समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो वाला सही। तो पहले हम इससे चेक करेंगे, एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 3 यहाँ यहाँ रखो, 2 और 3 रखो, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 2, 3 जोड़ेंगे तो क्या 17 आएगा? ना भाई ना, ये गलत हो गया। हाँ चलो, यहाँ 2 में से 3 क्या करना है? घटाएंगे तो 17 आएगा? ना भाई ना, गलत हो गया। 2, 3 एक्स की जगह पे 2 और वाई की जगह पे 3, तो 5 3 15, 2 में से 15 घटाओगे, देखो घटाना चिन्ह है ना, 2 में से 15 घटाओगे 17 आएगा? हैं नहीं ना, ये गलत है। इसमें रखो 2, 3 2 और 5 3 15, 2 में 15 जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, 2 में 15 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, आ गया, संतुष्ट हो गया भाई, ये चौथा संतुष्ट हो गया, ये चौथा वाला सही उत्तर है। देखे ना, साल्व करना पड़ा, एक भी अक्षर लिखना ही नहीं पड़ा।
तो जो मेरा मेथड लेके चलेगा ना, सवाल तो उसको आसान लगेगा ही, टाइम भी बचेगा, सिलेक्शन भी होगा और बहुत कुछ होगा। बहुत पसीना भी हो रहा है, लेकिन समझाने का जो सुर है ना वो मैं बदलने वाला नहीं हूँ। देखो, अगर ई वाला रखोगे इसमें तब भी 17 आएगा, गारंटी के साथ आएगा। करके दिखाऊं ए लड़के, करके दिखाऊं। देखो -3 कहाँ रहेगा, एक्स की जगह पे -3 और वाई की जगह पे 4, तो 5 × 20 में से -3 घटाओ, 5 × 20 में से 3 घटाओ 17। तो ए वाला भी इसको संतुष्ट किया। मैंने शुरू में ही बोला था कि दोनों बिंदु जिसको संतुष्ट करेंगे वह वाला समीकरण सही हो गया। भाई 5 मिनट ले लिया हूँ एक सवाल समझाने में, लेकिन जिस लड़का लड़की को समझ में आ गया होगा ना, वो इसको 5 सेकंड में कर देगा, गारंटी ये कर देगा। तुम दूसरा सवाल ऐसा वाला खोज लो, करके देखो, तरीका मेरा काम आएगा, काम आएगा, समझे? हंसो मत, मेरा तरीका काम आएगा। अब मैं तुम्हें अगला सवाल बताता हूँ, उस पर भी आपको मज़ा आने वाला है। ध्यान से सुनो मेरी बात, इतना बेहतर कंसेप्ट बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में ना कि उतना बेहतर आपको कहीं यूट्यूब पर मिला ही नहीं होगा, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ। सवाल समझने के बाद ना आप 2 सेकंड में ही आंसर लाओगे। समझाने के लिए मैं 2 सेकंड की जगह पर मैं 4 मिनट 5 मिनट ले लूँगा, लेकिन जब समझ जाओगे ना तो 2 मिनट में कन्वर्ट करोगे इसका आंसर। यकीन मानो सही बात साबित होगी, समझो। पहले देखो, रेखाओं इतना और इतना के बीच की दूरी जब भी पूछे, दो गो रेखा के बीच की दूरी जब भी पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, मुँह जबानी ए बी सी लास्ट वाला जो सी वाला पद है सिर्फ उस पे ध्यान देना। पहले ये क्या -9, ए बी सी लास्ट में क्या है +10। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है, यानी एगो प्लस एगो माइनस, तो अलग अलग चिन्ह रहने पर चिन्ह छोड़ के दोनों को जोड़ लेंगे, चिन्ह छोड़ देंगे दोनों को जोड़ लेंगे। तो हम भैया 9 का चिन्ह माइनस छोड़ देंगे और 10 का चिन्ह प्लस छोड़ देंगे, छोड़ के 9 और 10 को जोड़ लेंगे। अलग अलग चिन्ह पर चिन्हों को छोड़ देना, अंकों को जोड़ लेना, ये डायलॉग याद रखोगे तो याद रहेगा, ट्रिक है। चिन्हों को छोड़ देना, अंकों को जोड़ देना, कब? जब अलग अलग होगा तब। तो हम जोड़ लेते हैं 10 और 9 19, दिमाग में क्या 19 आ गया, कि इसी विकल्प में ऊपर 19 है क्या, 19 है इसी में है, हो सकता कि यहाँ भी 19 रहता, 10 की 19 देते, तब क्या करते? उसका तरीका देखो, उसका तरीका है कि 19 आपने दिमाग में रख लिया भाई, और जो 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ, दोनों एक ही चीज़ है, तो काम करिए एक्स और वाई के जो गुणांक है ना, 3 का 4 का स्क्वायर करिए। 3 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 का 9 4 का 16, 16 9 जोड़ दो 25, 25 के वर्गमूल 5, तो बटे के नीचे 5 होना चाहिए, तो यही है बटे के नीचे 5, समझ गए? समझ गए ना भाई? यानी क्या होगा, नीचे यही रहेगा एक्स वाई के गुणांकों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ठीक है। चिन्ह अलग अलग है दोनों, तो चिन्ह छोड़ के 10 9 19 जोड़ दो, ऊपर लिख दो बस। 19 बटे कितना 4 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 बटे 5, तो ये आपका आंसर है। तो ये जो कैलकुलेशन है ना बेटा, तुम चाहो तो अपने मन में कर सकते हो, कलम लेके कागज गूंजना जरूरी है क्या? इतना आसान आसान कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, आएगा नहीं आपको? बिल्कुल आएगा भाई, कौन कहता नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए ना, फिर से समझिए, अलग अलग चिन्ह रहने पर छोड़ देंगे, जोड़ देंगे, ऊपर लिख देंगे, और नीचे स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, करड़ी में डाल देंगे, जोड़ देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। हाँ, अब आप कहोगे गुरु जी अलग अलग चिन्ह रहने पर तो छोड़ देना जोड़ देना है, सही बात है, लेकिन दोनों प्लस प्लस रहे तब क्या होगा, दोनों माइनस माइनस रहे तब क्या होगा? तो समान चिन्ह होने पर घटा लेना है,
क्या करना है, समान चिन्ह होने पर घटा लेना है, याद रहेगा। अगर ये प्लस 9 रहता, प्लस 10 रहता, 10 में से 9 घटा लेते, एक लिखते ऊपर हम, लेकिन अलग अलग था तो जोड़ लेंगे, समान रहेगा तो घटा देंगे। ये ट्रिक याद रखोगे तो तुम परीक्षा में ना देखते ही आंसर मार दोगे, तिरछी नज़र से देख करके भी आंसर आ जाएगा, समझे ना। तो तरीका सॉल्व करने का बहुत अलग अलग होता है लोगों का, मेरा तरीका आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसी के आधार पर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा। देखते रहिए एम सॉल्यूशन।